मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। इस वीडियो में वे अपनी पत्नी को धमकाते हुए कह रहे हैं कि उनके निजी मामलों के बीच वे ना आए। यह मामला गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक तक पहुंच गया है, जिसके बाद पुरुषोत्तम शर्मा को लोक अभियोजन संचालनालय से हटा दिया गया है। कानून के रखवाले ने ही कानून को किया तार तार। डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी के साथ की जमकर मारपीट। पत्नी ने डीजी को दूसरी महिला के साथ पकड़ा था रंगे हाथों। गुस्साए डीजी पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी की जमकर धुनाई। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। पुरुषोत्तम शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डीजी एक महिला की जमकर धुनाई कर रहे हैं। इस महिला को वो जमीन पर पटक देते हैं और फिर उसे कई घूंसे भी चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि यह महिला और कोई नहीं बल्कि डीजी पुरुषोत्तम शर्मा की पत्नी है। बताया जा रहा है कि सीनियर आईपीएस को उनकी पत्नी ने घर के बाहर किसी दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। घर आने के बाद डीजी और उनकी पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्साए डीजी ने अपनी पत्नी की जमकर धुनाई कर दी। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग इस मारपीट के दौरान बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन डीजी अपनी पत्नी की लगातार पिटाई कर रहे हैं। अब इस मामले में डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ शर्मा ने प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और डीजीपी को वीडियो भेजकर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि गृह मंत्री ने लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात कही है। डीजी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, देखा और पढ़ा मैंने भी है, कुछ आधिकारिक बात आती है तो देखता हूँ, शिकायत अगर लिखित में आती है तो। बिकॉज सर वो एक आईपीएस ऑफिसर और आपको डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं आपके डिपार्टमेंट में, करेंगे रिपोर्ट तो देखेंगे। नहीं सर, आप सो मोटो कॉग्निजेंस लेंगे क्या इसकी? मेरे पास में कोई शिकायत आएगी तो जरूर लेंगे जी सर। वहीं भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने वीडियो जारी कर डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के कृत्य की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है, ऐसे में डीजी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पुरुषोत्तम शर्मा का जो अपनी धर्मपत्नी के साथ मारपीट घरेलू हिंसा का वीडियो वायरल हो रहा है, ये बेहद ही निंदनीय और शर्मनाक है। कानून की नजर में चाहे आप डीजी स्तर के अधिकारी हो या आम नागरिक, अगर आप इस प्रकार का कोई कृत्य करते हैं तो सजा एक समान है। उनकी धर्मपत्नी को इंसाफ मिलेगा, पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिम्मेदारी के पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर गैर कानूनी गतिविधियां करता है, कानून अपने हाथ में लेता है, तो वो कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको कार्य मुक्त कर दिया। पुरुषोत्तम शर्मा डीजी जिस तरह से, जिस बेरहमी से अपनी बीवी को पीटते नजर आ रहे हैं वीडियो में, जो कि वायरल हुआ है, बेहद आपत्तिजनक है। महिला आयोग स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन देती है, साथ ही सरकार से भी अपील करती है, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से अपील करती है कि कानून की रक्षा करने का कर्तव्य जिन पुलिस कर्मचारियों का है, अगर वो खुद स्वयं कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, अपने बीवी बच्चों को मारते हैं और इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो किसी भी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है। सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, डीजी पुरुषोत्तम शर्मा पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया है। वहीं मध्य प्रदेश शासन द्वारा
फिलहाल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा को लोक अभियोजन संचालनालय के पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, भोपाल।